नमस्कार दोस्तों, हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक बार फिर से उस प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत एक मौज। मैं हूं संजय राजौरा और आपको लेके चलूंगा पिछले कुछ हफ्ते में हुई मौजों के थ्रू। आपको पता ही है यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है, इस बीच हमारे मीडिया ने बहुत मौज ली है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत एक मौज। दोस्तों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि मालिक तो महान है लेकिन चमचों से परेशान है। अक्सर हिंदुस्तान में सफर करते हुए आपको बसों के पीछे, ट्रकों के पीछे लिखा हुआ दिख जाएगा कि मालिक तो महान है, चमचों से परेशान है। पहले भी कई बार मैं इस प्रोग्राम में यूज कर सका हूं इसी कॉन्टेक्स्ट में। देखो, हमारा जो मीडिया है उसको आदत पड़ी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि उनको उनको आदत पड़ी हुई है कि सिर्फ मोदी के बारे में बातें करनी है, उनका जो गुणगान करना है। अब पिछले दिनों हुआ ये कि लड़ाई होगी रशिया और यूक्रेन के बीच में, अब हमारा मीडिया परेशान कि भैया ये तो कोई और लड़ रहा है, इसमें मोदी जी को कैसे लेके आए। लेकिन उन्होंने तरीका ढूंढ लिया और उन्होंने किसी ना किसी तरीके से मोदी जी को उस नैरेटिव में शामिल कर ही दिया। मुझे एक अपने बचपन का किस्सा याद आ गया जहां पे एक बंदे ने जो है ना, एक ऐसे गांव का लड़का था, उसने एक ऐसे रटा इंग्लिश में माई काउ, और एग्जाम में आ गया कि राइट एन एस्से ऑन माई टीचर। अब वो बच्चा परेशान गया, अब मैं क्या करूं। तो उसने लिखा माई टीचर हैज अ काउ, और उसने बाकी सारा का सारा काउ का एस्से लिख दिया। तो ये इंडियन मीडिया ने जो है ना मोदी जी के साथ कर दिया कि लड़ाई उन दोनों की हो रही है और जिम्मेदारी डाल दी मोदी जी के ऊपर उस लड़ाई को सुलझाने की। जैसे किसी न्यूज ने बोला था कि अब बाइडेन और पुतिन सुनेंगे मोदी जी की बात। इनको इतना समझ में नहीं आता है कि मोदी जी बिजी हैं, वो यूपी में इलेक्शन करवा रहे हैं यार, वहां पे उनका टाइम लग रहा है, और तुम उनको बोल रहे हो कि इनकी बात सुने जाके ये लड़ रहे हैं आपस में, और मोदी जी ये कराएंगे जाके, उनके पास इतना इंपॉर्टेंट काम पड़ा हुआ है यूपी का यार, वो सब छोड़ के वो बाइडेन और पुतिन के कान है ठीक है चुप करो। अगर मैं तो कहता हूं आपको दिखाना था तो यही दिखाना चाहिए था कि मोदी जी क्योंकि यूपी के इलेक्शन में इतने बिजी थे इसलिए उनका ध्यान यहां से हट गया, और इसका फायदा उठा के जो बिगड़ैल बच्चे होते हैं, जैसे माँ बाप का धन कहीं और चला जाता है तो आपस में लड़ने लग जाते हैं, इस बात का फायदा उठा के ये दोनों लड़ पड़े आपस में, यूक्रेन और रशिया। और ये अब अभी मोदी जी की जिम्मेदारी होगी कि जाके इनकी सुलह कराएं, करवा सकते हैं मोदी जी जाएंगे तो क्या नहीं सुलझ सकता यार, वो जाके बाइडेन का कान अटेंगे, वो जाके पुतिन का कान अटेंगे और देख चमाट पाएंगे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, मेरा गुजरा उधर को क्या हुआ, तुम लड़ने लग गए, चलो सॉरी बोलो एक दूसरे को कान पकड़ के, सॉरी बोलो मैं तुम्हें अपने मन की बात बताता हूँ, और वो बोलेंगे उनको कि भैया अब तुम आगे जो है, मैं तुम्हें तरीके बताता हूँ कि कैसे जानवर के गोबर से तुम और तरक्की कर सकते हो, जाओ पैसे कमा सकते हो, अपने देश को और आगे ले जा सकते हो। फिर अपने मन की बात में उन्होंने, मैंने इंडिया में ये बोला है, उन्होंने मोदी जी ने, अभी मैं मोदी जी बन गया हूँ, उन्होंने इंडिया में ये बोला है, तो मोदी जी इनको बोलेंगे कि मैंने इंडिया में मन की बात में ये बोला है कि भैया लिप सिंक करके हर प्रदेश के लोग दूसरे दूसरे प्रदेश के गाने गाएंगे तो इससे भारत और मजबूत होगा, समथिंग टू यू नो दैट ऑर्डर, कि ये सब करना चाहिए हमको, इससे भारत और मजबूत होगा। तो रशिया तुम यूक्रेन के गाने लिपसिंग करो, यूक्रेन तुम रशिया के गाने लिपसिंग करो, और इससे तुम्हारा आपस में सद्भावना बढ़ेगी, तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा और लड़ाई झगड़ा इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। ये कर सकते हैं मोदी जी, लेकिन टाइम से पहले उनको जिम्मेदारी डालना गलत है। मैं इसीलिए मैंने शुरू में कहा था मालिक तो महान है चमचों से परेशान है। अब पीयूष गोयल जी चमचागिरी की हद नहीं कर दी उन्होंने यार, एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें मतलब एक नदी बह रही है और नदी के एक साइड सारे कंट्रीज के पिलर्स हैं, इंडिया का भी एक पिलर है, और नदी के इस साइड जो है वो बच्चे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अलग अलग देश हैं वो छुपे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे नदी के ऊपर ब्रिज बनाने में, लेकिन मोदी जी, हमारे मोदी जी नदी के बीच में खड़े हो गए, उनके दोनों हाथ ऐसे हैं और उनके हाथ के ऊपर से चल चल के बच्चे इधर आ रहे हैं। ना यू टेल मी, कोई भी आपके मन में कोई रहम है नहीं, एक अकेले मोदी जी पे क्या क्या जिम्मेदारी डालोगे यार आप। लड़ाई उन्हें बंद करानी है, बच्चों को भी उनको लेके आना है, ऐसे नदी के बीच में खड़े होकर ऊपर से बच्चे वो होके आ रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, नहीं करना चाहिए। एक अपनी मुहिम मान लीजिए, उनको पता नहीं क्या सोची, यूपी में जाके बोल दिया, बड़े बड़े दुनिया के नेता वेट कर रहे हैं कब मोदी जी आए और ये लड़ाई सुलझाए। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाग लेकर उसमें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए सब लोग विनती कर रहे हैं हमारे मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी को बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर मानते हैं। यार यूपी में बोल रहे हो भोली वाली जनता, वो तो आप कुछ भी बोलोगे, आप उनको केला दिखाओगे वो बोलोगे केला नहीं ये सितारा है, तो वो ये भी मान जाएंगे ये सितारा है, और आप वहां जाकर उनको ये बोल रहे हो। अगर आप ये बात
और यूपी में बोलने का इस बात का क्या फायदा है कि दुनिया भर के नेता जो है मोदी जी का वेट कर रहे हैं लड़ाई खत्म कराने के लिए। यूपी में आप इलेक्शन रैली कर रहे हो, वहां के वोटर को, किसान को, मजदूर को, स्टूडेंट को, उसको यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से क्या लेना देना? ऊपर से आप मोदी जी का नाम घुसी रहे हो उसके अंदर, वहां क्यों बोल रहे हो? इंटरनेशनल लेवल पे जाके बोलो ना, नाम रोशन करो मोदी जी का और भारत देश का। जब जाके आप दुनिया भर में विदेश में कहीं पर भी आप बोलने जाओ, वहां बोलो कि आप सब लोग मोदी जी का वेट करें ताकि लड़ाई खत्म। दोस्तों यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में भारतीय स्टूडेंट्स वहां पे फंसे हुए हैं, उनको निकलने में दिक्कत हो रही है, जंग का माहौल है। और ऐसे में अपनी मासूमियत में मोदी जी ने ये बोल दिया अगर कि भैया आप वहां बाहर पढ़ने मत जाओ, आप इंडिया में ही पढ़ लो, वहां क्यों गए यार, ठीक है ना? इस बात का पतंगड़ी बना दिया यार लोगों ने। बहुत सारे लोग हैं जो इसी ग्राफ में बैठे रहते हैं कि मोदी जी के मुंह से कुछ ऐसी बात दिख रही है और फिर उसको ट्विस्ट कर दें किसी तरीके से और फिर उनके मोदी जी को कॉर्नर करने में से यूज करें। भैया लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी जो है आम नागरिकों के बच्चों को ये कह रहे हैं कि बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं, जबकि बीजेपी खुद के लीडर्स के जो बच्चे हैं, कोई कॉर्नर में पढ़ रहा है, कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, कोई लीड्स में पढ़ रहा है, नाना प्रकार की यूनिवर्सिटीज के नाम ले दिए कि खुद के बच्चे जिनके बाहर पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को ये कह रहे हैं कि तुम बाहर पढ़ने मत जाओ, क्यों गए थे वहां पर पढ़ने के लिए, हमारे भी मुसीबत आ रही है। बट दिस इज ट्विस्टिंग ऑफ नैरेटिव, ये बात गलत है। बहुत सारे लोग जो है ना इस फिराक में बैठे रहते हैं कि इस तरह के मौकों का फायदा उठाया जाए, लेकिन हम उनमें से नहीं है। हम दूध का दूध करते हैं और पानी का पानी करते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी की इंटेंशन गलत नहीं है। हेटर्स विल हेट, दे विल फाइंड रॉन्ग इंटेंशन इन एवरीथिंग दैट मोदी जी डज। उन्होंने जब बोला कि आप बाहर मत जाओ, लोगों ने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि बीजेपी लीडर्स के खुद के जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, तो दे मिस्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। The larger point here was, ये जो बीजेपी के बच्चे, बीजेपी के नेताओं के बच्चे बाहर इसलिए पढ़े, इट्स अ सुप्रीम सैक्रिफाइस। आप देखने के लिए नजरिया तो बदले, इस सैक्रिफाइस है। जब ये लोग बाहर पढ़ने चले गए, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में इन्होंने जो यहाँ के काबिल बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए सीटें खाली छोड़ी ताकि उनको बाहर पढ़ने जाने की जरूरत ना पड़े। ये कुर्बानी है, इस कुर्बानी को समझो। बिना वजह टेक्स्ट को, बयानों को, ट्वीट्स को जो है ट्विस्ट करना बंद करें, इंटेंशंस को समझें। मोदी जी मासूम है, मासूमियत में जो बात बोल देते हैं उसके मर्म को समझो, कुर्बानियों को समझो। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेजते? कोई माँ बाप नहीं चाहता, लेकिन हम लगे हैं। देखिए पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। और आगे बढ़ते हुए, ये तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा एक्चुअली, कि मीडिया में एक चैनल में ये खबर भी चली कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो यूक्रेन में हुआ, जहां पे एक इंडियन स्टूडेंट की बदकिस्मती से शेलिंग में मौत हो गई, उसके बाद एक न्यूज चैनल ने ये चलाया, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि इस तरह की खबरें सुन के आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा ये कौन से न्यूज चैनल है। इन्होंने ये खबर चलाई कि मोदी जी ने एक्चुअली जो बच्चा वहां पे मारा गया उससे बात करी। अब फिर वही बात, इन्होंने तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में मोदी जी का नाम इस्तेमाल करके एक खबर चला दी बिना उसका कॉन्टेक्स्ट दिए। अब क्या है, हेटर्स लगे स्टार्ट हेटिंग अगेन। वो बोलेंगे यार ये क्या बात हुई यार, जो ऑलरेडी मतलब बदकिस्मती से जो उस हादसे में वहां पर मारा गया बच्चा, उससे मोदी जी कैसे बात कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि न्यूज चैनल अपनी टीआरपी के लिए जानबूझ के इस तरह की खबरें डालते हैं मोदी जी का नाम यूज करके, ताकि उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाए सारी की सारी, इनको अपनी टीआरपी मिल जाए। लोगों ने तो इस बात को बनाना ही बनाना है, असल में पूरी बात नहीं बताते। पूरी बात यह है, आपको पता है मोदी में टैलेंट तो भरा पड़ा, दुनिया की हर चीज का इनके पास टैलेंट है। कुछ भी ले लो, चाहे म्यूजिक में ले लो, चाहे आप पेंटिंग में ले लो, चाहे आप मुर्गो दाना खिलाने में ले लो, चाहे आम खाने में ले लो, टैलेंट की भरमार है। तो ये भी टैलेंट ही है। मोदी जी तांत्रिक भी है, आपको पता है ना, तांत्रिक जो लोग जीवित नहीं होते हैं उनसे भी बात कर पाते हैं। मोदी जी तांत्रिक भी है, एंड दिस इज अ टैलेंट विच शुड बी अप्रिशिएटेड, शुड नॉट बी रिडिक्यूल्ड। और ये तो एक छोटी सी बात आती है, देखो मोदी जी के क्या क्या टैलेंट सामने आएंगे। मैंने तो यहां तक सुना है कि बदकिस्मती से अभी जो एक महान लेग स्पिनर शेन वॉन का देहांत हुआ है, मैंने तो यहां तक सुना है कि उसने अपनी फेमस फ्लिपर भी मोदी जी से सीखी थी, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि मोदी जी से अच्छा फ्लिप कौन करता है, कोई भी नहीं। अब आते हैं बीजेपी के एक और कद्दावर नेता सरकार के, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह।
पोलैंड में जाके वो यूक्रेन में जो फंसे हुए हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको बोल रहे हैं कि आप खार्किव शहर से लिविव शहर पे आ जाएं, वहां से हम आपको इवैक्यूएट कर लेंगे। अगर आप यूक्रेन को का नक्शा वगैरह देखें तो खार्किव एक कोने में है, लिविव एक कोने में है, पूरे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रही है, और उनको बोला जा रहा है कि आप वहां से इधर आ जाएं, अब यहां से वो आपको उठा लेंगे। क्या प्लान है बॉस? मतलब इस प्लान के लिए कहावत बनी है कि हींग लगे ना फिट करी और रंग भी चोखा आवे, इवैक्यूएशन भी हो जाएगा और जो है ना कपड़े भी खराब नहीं होंगे हमारे। Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for two cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happened to us, to anyone, Mission Ganga will be your biggest failure. इतना शानदार प्लान उन्होंने बनाया। इस प्लान को देख के ना मुझे सही प्राण जी की फिल्म कथा याद आ गई, जो जिसमें एक सीन है, मतलब फिल्म तो बेसिकली वो खरगोश और कछुए की जो एक पुरानी किंवदंती है उसके ऊपर थी कि अंत में रेस जो है कछुआ ही जीता, लेकिन दैट इज इररिलेवेंट है। उस फिल्म में एक सीन है कि जिस चाल में फारूक शेख रहते हैं उस चाल में एक बुजुर्ग आदमी दोनों हाथों में सामान पकड़े हुए, शायद सब्जी के थैले वगैरह पकड़े हुए, चाल की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा है बुजुर्ग आदमी, एंड फारूक शेख इज वॉचिंग हिम क्लाइंब। तो वो चढ़ते जाते फारूक शेख उनके पीछे धीरे धीरे चढ़ते थे, जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी आखिरी सीढ़ी में पहुंच जाते थे फारूक शेख उनके पास कहते हैं, अरे 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 आपने क्यों, लाइए लाइए मैं आपकी हेल्प करता, लाइए आपकी मैं। पूरा चढ़ने के बाद फारूक शेख वो थैला उठा लेते हैं और बुड्ढा सोचता है कि यार कितना अच्छा इंसान है, इसने मुझे इवैक्यूएट करा दिया। प्लीज आप लोग इसको फ्री फ्लाइट्स और इवैक्यूएशन बोलना बंद करिए, हम सब रेडी हैं पैसे देने के लिए इन फ्लाइट्स के, लेकिन हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो फ्रेंड्स वहाँ फंसे हुए हैं ना, आप प्लीज उनकी हेल्प करिए ताकि वो बॉर्डर तक पहुंच जाए। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज, देखते रहिए इस प्रोग्राम को, इस तरह की बहुत सारी मौजें आपके सामने आती रहेंगी। बार बार मैं बात रिपीट करता हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने कान खड़े रखते हैं और देखते रहते हैं कितनी मौजें हैं। इस बार के मीडिया के कारनामे यही थे, बाकी आपने टीवी में खुद देख लिया होगा, एक राहुल शिवशंकर साहब है उन्होंने फजीयत करा ली अपने एक विदेशी से, अर्णब गोस्वामी ने फजीयत करा ली अपने एक विदेशी से, और तो और छोड़ो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जाके रोमानिया के मेयर साहब ने फजीयत करा ली। तो इस तरह से देश का नाम रोशन हो रहा है, देश की पत्रकारिता का नाम रोशन हो रहा है। हमें क्या, हम तो लेके आते रहेंगे आपके पास भारत एक मौज। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमरख बर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। अरे